अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? अभी हम लोग जा रहे हैं बर्थडे के लिए घर पर। अभी बज रहे थे दोपहर के कम से कम 3 साढ़े 3 बज रहे थे। हम लोग आज जल्दी जा रहे थे, सोचा जाके कुछ डेकोरेशन वगैरह में हेल्प कर लेंगे। तो हम दोनों बहनें निकल चुके हैं, तो वहाँ जाने के बाद हम लोग यहाँ पर रेडी कर रहे थे सब डेकोरेशन का। सब बलून्स वगैरह निकाल रहे थे, जो भी फुग्गे हुए, जो भी उनके नाम का जो लेके आया था। इस बार बर्थडे में बहुत बहुत ज़्यादा सामान लेके आए। हमारे घर में जितने भी बच्चे थे उन सब बच्चों से भी ज़्यादा इनका बर्थडे का हम लोगों ने डेकोरेशन बहुत बड़ा और बहुत अच्छा किया था। इंशा है बीच बीच में देख रही है। तो यहाँ पर हम लोग ने स्टार्ट किया, देखो ये फुग्गे का डेकोरेशन। बाहर करने जाओगे तो इतना पैसा लेते हैं, हम लोग घर पे ही सब लोग लगे पड़े थे। कोई फुग्गे फुगा रहा है, कोई फुग्गे बांध रहा है, कोई नेम लगा रहा है, कोई सब कुछ अपने मेहनत में लगे हुए थे। तो फाइनली रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है इस सब डेकोरेशन का। तो यहाँ पर ये लगा दिया बलून वगैरह, यहाँ पर बड़े बलून, और ये ज़्यादा हैवी हो रहा था इसके लिए इसको ऐसा लगा रहे थे क्योंकि वो होल्ड कर रहा था, ज़्यादा हैवी वो नीचे आ जाएगा इसके लिए। तो देखो माशाल्लाह पिंक और ब्लू दोनों थीम रखा हुआ था बलून्स में, वो पीछे डिज़ाइन में वगैरह सब सेम था। और यहाँ पर इंशा के लिए ड्रेसिंग सेलेक्ट हो रही थी, तो हम लोग दिखा रहे थे कि कौन सा उसको पहना है। तो 3 ऑप्शन थे, पर तीनों ऑप्शन में से उसने अपना पिछले बर्थडे का रेड वाला पसंद किया था, पर वो हम लोगों ने उसको पहनाया था वो बहुत शॉर्ट हो रहा था। तो यहाँ पर हम लोग आपको दिखा रहे थे 3 ऑप्शन, ये रेड वाला उसको बहुत पसंद आया था पर वो इसको बहुत ज़्यादा छोटा हो रहा था। फिर फाइनली हम लोगों ने उसको पहनाया पिंक कलर वाला, ये भी अच्छा लग रहा था पर वो नहीं पहनी, फिर उसको काफ़ी ज़बरदस्ती से वो पहनाना पड़ा। फिर ये रहा हमारा घर, तो ऐसा रहा पूरे घर का डेकोरेशन। मैंने यहाँ पर स्लो में वीडियो बनाया है, बड़ी मेहनत लगी है सब डेकोरेशन करने में। यहाँ पर देखो अली और अलिजबा का नाम दोनों का हम लोगों ने यहाँ पर लगा दिया। मतलब ये सब डेकोरेशन का आइडिया तो मैंने तो खाली फुगे ही फुगाए, बाकी तो कुछ किया नहीं। फिर ये दोनों आ गए रेडी होके, माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे दोनों के, सेम कपड़े हो गए। ये गुड़िया देखो कैसे खड़ी हुई उसको होल्ड करके, और यहाँ पर ये देख के बच्चों वगैरह को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। माशाल्लाह माशाल्लाह देखो कितने अच्छे से हंस रहे ये, मतलब ये ज़्यादा बच्चे वगैरह थे ना तो ये खुश हो रहे थे देख देख के, और सब लोग फ़ोटो खींच रहे थे जैसा कोई सेलिब्रिटी आते ना वैसे इन लोग के सब लोग फ़ोटो खींच रहे थे। यहाँ पर फिर अली को अकेले बिठा के फ़ोटो शूट चल रहा था क्योंकि अलिजबा हो गई थी साइड में। तो देखो यहाँ पर माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पर सब डेकोरेशन देख रहा है। यहाँ पर आ गई अलिजबा रेडी होने के बाद, देखो इनका बिना मेकअप बिना इसके खाली ड्रेस पहनाया और ये हेलमेट लगाया बस, और कुछ भी नहीं किया, काजल विजल भी नहीं लगाया। हम लोगों ने मना किया था कि काजल मत लगाना। फिर यहाँ पर हमारे घर के तीनों बच्चे देखो मरियम आकीब और इंशा यहाँ पर फ़ोटोशूट करा रहे अपना, इनको भी फ़ोटोशूट कराना था कि इस डिज़ाइन में, और मैंने इनका आधे में ही वीडियो बनाया। फिर साथ में इनके खड़ा किया हम लोगों ने अलिजबा को, कि चारों अली जब तक बाहर चला गया था रेडी होके, तो यहाँ पर हम चारों बच्चों के फ़ोटो देखो कितना अच्छा अलिजबा इंजॉय कर रही है उन लोग के साथ में। बच्चे जब रहते ना एक दूसरे का देख खूब खूब इंजॉय करते। तो चलो कैसा रहा आप लोगों को मैं आगे दिखाती हूँ सब। इट्स ओके, निकल जाओ, फोटो सेव दिया इनसे, देख इधर इधर देख ऊपर मोबाइल सलाम कर, अच्छा मुंह से बोल ना, सलाम बोल, सलाम ओके बोल, ओके अच्छा लव यू दीदी, दीदी बर्थडे में आओ बोल, हैप्पी बर्थडे बोल। अरे पापा को नहीं दी चॉकलेट दी, हाँ इंशा दी दी, पहले खा क्यों दिए इसको, क्या चालू क्यों आवाज कट कर दी, नहीं मैं कट नहीं करती किसी का आवाज, बिंदास लेती आवाज, क्यों तुझे डर है, तेरी गर्लफ्रेंड देखती है मेरी वीडियो, चालवा जा रहा था जी, दो 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 मैं चॉकलेट, हाँ छोटे छोटे थोड़े तीन सौ सानिया उसको ना और थोड़ा काट, इधर तेरा सलाम का मेरे मोबाइल, अस्सलाम वालेकुम कपड़े
मैं काटो, अभी जगह ही नहीं आप यहाँ पर आ गया था खाना। तो हम लोगों ने खाने में बाहर से ऑर्डर किया था बिरयानी, तो यहाँ पर खाने के लिए सब बैठे, तो यहाँ हम लोग निकाले खाना। तो यहाँ से बिरयानी निकाले, काफ़ी अच्छी बनी थी बिरयानी, हम लोग ने यहाँ से फर्स्ट टाइम मंगवाया था, काफ़ी टेस्ट था। नेक्स्ट टाइम ज़रूर हम लोग यहाँ से फिर से मंगाएंगे। हम लोगों ने सोचा था पहले घर पर ही पुलाव बनाने का, फिर बाद में बजट वगैरह निकाला, सब मेहनत वगैरह निकाला, तो बाहर से ही बेटर लगा, क्योंकि घर में बनाते तो बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही थी। तो बाहर से आसानी से आया, आसानी से सब हो गया। तो चलो मिलते हैं आपको थोड़े टाइम बाद। और बिरयानी के साथ तो ये
कोशिश भी तो अधूरी है, साथ में लगती है। मैं जितना बिरयानी के चावल कम खाती हूँ उससे ज़्यादा मैं कोशिश खाती हूँ, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पर था वेज खाना, जैसे कि बहुत लोग हमारे वहाँ नॉनवेज नहीं खाते थे, उनके लिए वेज खाना अलग से मंगवाया था। तो बर्थडे अभी हो गया ख़त्म, हम लोग अभी आए घर पे। घर पे आने के बाद सब मैंने फटाफट यहाँ पर बर्तन वर्तन वगैरह सब जो सुबह में घस के गई थी वो रख दिया। और ये जो कुर्ती थी जो पहनी थी मैंने, आप लोग को बैक कैमरे से मैं चाहिए तो दिखा देती हूँ। तो ऐसा था उनका फर्स्ट बर्थडे गया। इंशाल्लाह मतलब आप लोग दुआ करना कि उनको अच्छी मतलब उनकी सब ख्वाहिशें पूरे हो, अच्छे से रहे सब, उनको उनके सब चीज़ उनके सामने अच्छी आए, जैसे हम लोगों ने हमारे दिन निकाले अल्लाह करे उनके सामने वैसे उनके दिन कभी ना आए। हम लोगों ने बहुत ऐसा मतलब कभी बर्थडे बर्थडे नहीं मनाया था, होता हम लोग अभी अभी मना रहे, पर बच्चों के हम सब ख्वाहिशें पूरे करना चाहते, तो अल्लाह हमें इतना दे कि हम सबके ख्वाहिशों को पूरी कर सके, सबके मतलब जो उन्हें चाहिए वो कभी ना मिले, ऐसा कुछ ना हो, सब उन्हें मिले। बर्थडे बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से डेकोरेशन हमने खुद से घर पे किया था और केक वगैरह कटिंग किया। खाना हम लोगों ने बाहर से ऑर्डर किया था, वेज और नॉन वेज, तंदूरी बिरयानी ऑर्डर की थी और 3 केक थे और बाकी तो सब हाँ तंदूरी बिरयानी थी और वेज बिरयानी थी और केक था और बाकी मीठे में तो केक थे बस, और कुछ ज़्यादा कुछ मंगाया नहीं था। माशाल्लाह हम जैसे सोचे थे वैसे उससे काफ़ी काफ़ी अच्छा बर्थडे गया, हमें पता भी नहीं था कि इतना अच्छे से ही बर्थडे जाएगा। अल्लाह करे उनके हर साल ऐसे ही उनके जो चाहे उन्हें मिले। और जो गिफ्ट वगैरह थे वो तो मतलब बहुत सारे लोगों में थे, तो मैंने बनाया नहीं वीडियो देखो कभी कल गई तो बनाऊंगी। और जो भी वीडियो देखते हैं माशाल्लाह दोनों बच्चों को कमेंट में जरूर करना, क्योंकि माशाल्लाह वो दोनों बहुत 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 खूबसूरत लग रहे थे। मैंने थोड़ा आई मेकअप किया था पर मेरे आँख में जैसे कि आपको पता ये हो रहा है उसकी वजह से मैंने ऐसा पूरा घेस दिया ना, तो पूरे आँख का निकल गया वो। और कमेंट में ज़रूर बताना मेरी ये कुर्ती कैसी लगी, कलर काफ़ी अच्छा है, ये इनकी पसंद है, उनको पता है मुझे ऐसे सब कपड़े पसंद है। ये ओढ़नी तो मैं भाभी की ओढ़ के आई, मेरे इस पे मैच हो रही थी तो ये उसके साथ ओढ़ी। तो मैं आप लोग को बैक कैमरे से दिखाती हूँ मेरे कॉट सेट। देखो अभी ऑफर चल रहा है तो ये मुझे मिली है 2000 में, ये मिला है मुझे। बाकी ये बोल रहे थे पता नहीं इसकी प्राइस ज़्यादा थी तो उसके ऑफर के बाद ये मुझे मिला। तो चलो आप लोग को बैक कैमरे से मैं दिखाती हूँ अभी भी। जो ये क्या हो गया, निकली होंगी खाने का ढाक लगाया है ना।